तो गनर वाली बात मैंने फिर से गनर को भेज दिया है कि भाई आप जाइए, सुरक्षा में रहिए। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है, बड़ा योगदान है समाज में उनका, क्योंकि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लापता और फरार होने को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर अब पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर ताजीन फातिमा ने आजम खान को लेकर दिए गए बयान के बाद अब पुलिस मान रही है कि आजम खान फरार नहीं है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी दोबारा भेजने की बात कर रहे हैं। तो गनर वाली बात मैंने फिर से गनर को भेज दिया है कि भाई आप जाइए, सुरक्षा में रहिए। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है, बड़ा योगदान है समाज में उनका, क्योंकि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लगे यहाँ जब आपने कहा है तो, कि एक जो मशीन बरामद हुई थी उसमें जो वर्तमान चेयरमैन साहिबा हैं फातिमा जमी साहिबा, उनका कहना है कि मशीन मेरी नहीं है। तो पेपर देना भाई, वो मशीन मेरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मशीन TP30 मशीन जो है वो भिवानी से सप्लाई हुई है। उसके सारे पेपर है मेरे पास, हमने अभी आपको दिखाया भी था आप लोगों को, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उस कंपनी ने ओन किया है ये पेपर, मैंने इनको सप्लाई, ये गाड़ी मैंने सप्लाई किया है। तो मेरा उनको कहना है कि तथ्यात्मक बातें करें, पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो साक्ष्य मिलेगा। और एक और बात, फातिमा साहिबा ने ये कहा था कि पुलिस बिना परमिशन के घुस गई, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेटर ले आइए, लेटर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी देख लेना आप लोग। वो परमिशन कोर्ट ने, पुलिस ने बाकायदा उनसे अनुमति ली है, उन्होंने रिसीव किया है, उनके आदमी वहाँ पे, उनका जो प्रतिनिधि है खड़ा रहा है। ये दोनों बातें जो हैं उसका मैं खंडन करता हूँ, और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा तो देखा जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं इतना कहना ही चाहूँगा कि हमें जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर विधान रूप हम कार्रवाई करें। आजम खान और उनके बेटे ने लौटाई सुरक्षा, दोनों का कुछ अता पता नहीं, हो सकती है गिरफ्तारी। ऐसे बयान मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर ताजीन फातिमा ने एक पत्र जारी कर पुलिस के तमाम दावों का खंडन कर दिया था। इसके बाद अब पुलिस अधिकारी भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, कोई लुकआउट नहीं जारी है, न वो फरार हैं। अभी लेटेस्ट आज ही मैडम का बयान आया था कि गंगाराम में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, माननीय न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका केस जो है वो लगा हुआ है 313, मतलब उनको अंतिम सफाई देनी है उस केस में। तो 17 तारीख को केस लगा था, तो महोदय नहीं आए, ये जवाब आया कि उनका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, कोर्ट ने, न्यायालय ने लगा दिया 18 तारीख, 18 को जवाब आया कि सर्जरी हुई है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। फिर हमारा न्यायालय बहुत लिबरल है, बहुत आइडियल है, उन्होंने फिर मौका दिया, ठीक है 21 लगा दिया। 21 तारीख को उन्होंने बताया कि मेरा अधिवक्ता जो है वो किसी अन्य मुलजिम जो जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है रिमांड पे, उसमें लगा हुआ है। तो ख़राब लगा, भाई आपके पास एक दर्जन अधिवक्ता आते हैं, समर्थवान आदमी हो आप, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक से अधिवक्ता गण यहाँ पे आते, किसी को लगा देते, तो बहानेबाजी लगी उन्होंने। और दूसरी बात, फिर हम लोगों ने ये विरोध किया कि प्रोसिक्यूशन ने ये विरोध किया कि जब हमारे पास IIM जैसी संस्था है तो प्राइवेट में क्यों कराएं इलाज। तो उस पर न्यायालय सहमत था, उन्होंने कमेटी बना दी न्यायालय ने कि CMO इसकी जांच करें कि ये वास्तविकता है बीमारी या गलत है, और इसका जो कहाँ पे हैं वो आदरणीय बोला ये आजम खान साहब, ये आपके अधिवक्ता बताएंगे। तो वो ठीक है, जिम्मेदारी तय हो गई, CMO की टीम बन गई, CMO ने उनसे पूछा और 23 को रिपोर्ट दी, ये भी कोर्ट ने लिख दिया। तो उन्होंने 22 को पूछा कि भाई कहाँ चले हम, कहाँ जाएँ, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे एड्रेस ही नहीं मालूम है, उनके वकील ने ये कह दिया। तो फिर जो है रिपोर्ट नहीं सबमिट हो पाई। फिर 23 को वो बताते हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, ये हुआ कि भाई ये बात आप 22 को बता सकते थे कि अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं टीम चली जाती, ये तो गलत बात है, कोर्ट का टाइम जाया हो रहा है, कोर्ट काफ़ी अनवाइट थी। तो उन्होंने कहा कि वो भर्ती है न्यायालय में, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उनके पास भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं, दो ऑप्शन हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है और कुछ गाइडलाइन बनी है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको हाईकोर्ट ने अप्रूव भी किया है कि उनके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो अपना पक्ष रख दे, या थ्रू एफिडेविट थ्रू एडवोकेट अपना पक्ष रख दे, बात खत्म हो जाए। तो उनको दो ऑप्शन दिया गया और 24 को ये आप दोनों ऑप्शन एक्सेप्ट करें और बताएं किस पे वो जाना चाहते हैं। 24 को फिर उनका आ गया स्थगन,
हस्तगन आ गया, फिर ये गवाह लाइए वो गवाह लाइए, तो फिर कोर्ट बहुत ही नाराज हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत बात है, हम इसको फाइनली सुनेंगे। अब आप ये बता दो कि वो बयान देना चाहते हैं कि नहीं, ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इच्छुक हैं कि नहीं। अगर कोर्ट की भी अपनी एक लिमिट है ना बर्दाश्त करने की, तो उन्होंने फिर आज की डेट लगाया हुआ है, आज को निर्णय कोर्ट करेगी उसमें। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं कि वो चूँकि बात का अफवाह को दम इसलिए मिला कि वकील ने कह दिया कि नहीं है, हमें पता नहीं है, गंधर उनके वापस चले आए। उन्होंने गंधर से पूछा, पुलिस साहब हमको कह दिया उनके किसी ड्राइवर ने कि तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले आए। मैंने फिर भेजा, कोई पता ही नहीं चल रहा था। तो इससे बल मिला, लेकिन फ़िलहाल फातिमा साहब के बयान पे मैं यकीन करता हूँ, और कि वो बीमार हैं, मैं दुआ करूँगा जल्दी स्वस्थ हों। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे भी उनकी एज हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी स्वस्थ हों और कोर्ट प्रोसीडिंग में अपना सहयोग करें। एक निर्णय है जो माननीय न्यायालय निर्णय देना चाहे वो निर्णय दें।